हेलो, माय नेम इज सपना एंड आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू फैशन एंड हॉट। और आई थिंक अब तो मैं फूड के बारे में भी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मैगी बना डाली थी। ठीक है, तो आज की वीडियो है पूरी एक समर लुक बुक के बारे में। आई नो तुम लोग कह रहे हो, अरे सपना कहीं जाना तो है नहीं, सब जगह तो लॉकडाउन है और ऊपर से तुम आउटफिट्स के बारे में बता रहे हो। बट गाइज, आई थिंक अभी जिस हिसाब से हमारे आसपास नेगेटिविटी है, सब चीज़ों का, सब लोगों का ना अपना अपना तरीका होता है उसको ओवरकम करने का। एंड आई थिंक हम ज़्यादातर लड़कियों के लिए वो ड्रेसअप होके उस चीज़ को ओवरकम करना इज अ बेस्ट ऑप्शन। दिस इज माई इंस्टाग्राम पेज, गो चेक आउट माई पेज। आई पोस्ट लॉट ऑफ फैशन रिलेटेड इन कंटेंट। एंड विदाउट एनी फर्दरिंग, लेट्स गेट इनटू द वेयरिंग दिस स्पेगेटी फ्रॉम ज़ारा, वर्थ द प्राइस। लाइक लास्ट मी फॉर लाइक ऑलमोस्ट 4 years नाउ, 4 or 3 years कुछ ऐसा ही इसको साल हो गया। I'm wearing a silver jewelry with it. Like I really wanted to be like the my neckline to be highlighted. So इस वजह से मैंने इसमें बहुत सारा silver jewelry डाला हुआ है। With it I'm wearing this wraparound skirt which I think it's a very stylish, very old purchase from Shein. But अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी satin का material cut out करा के उससे भी बना सकते हो। I think this looks very stylish. And make sure कि जो कपड़ा हो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो। इसके साथ जो मैंने हील्स पहने हैं, मैंने न्यूड हील्स पहने हैं। आई थिंक ये पूरे लुक को बहुत ही ज़्यादा पॉप अप कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट लुक अगर आप किसी को लाइक जूम कॉल पे, डेट वगैरह पे जा रहे हो। तो इंट्रो लुक को छोड़ दें तो ये हमारा फर्स्ट लुक है। एंड आई रियली लव हाउ दिस लुक। लाइक मैंने कभी ये वाला कलर ट्राई नहीं किया, नेवर वोन दिस कलर लाइक ever in my life till now. And personally सच बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर। आई एम लविंग द होल वाइब ऑफ दिस लुक। दिस लुक इज वेरी क्यूट, लाइक कम्प्लीटली आउट ऑफ माई स्टाइल। एंड आई एम वेयरिंग दिस वाइट वॉच विद इट। एंड इसके साथ जो मैंने आई एम वेयरिंग दिस सिल्वर चेन, एंड बहुत पतला सा सिल्वर चेन है, जस्ट टू एड लिटिल बिट ऑफ एलिमेंट टू माई होल आउटफिट। एंड टू एड मोर पॉप ऑफ कलर, आई एम वेयरिंग दिस लाइक आई एम होल्डिंग दिस ब्राउन एंड लिटिल बिट ऑफ येलोइश एंड दिस चेकर्ड बैग। आई थिंक ये पूरा ही आउटफिट बहुत ही क्यूट लग रहा है। क्या तुम लोगों को ये आउटफिट क्यूट लग रहा है? अगर लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में क्यूट 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 लिखना। और मैं तुम्ही लोगों से बात कर रही हूँ, तुम जरूर लिखना, ठीक है? So yeah, I love the whole outfit and I think इस टाइप के आउटफिट तुम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ अगर कहीं जा रहे हो तो परफेक्टली पहन सकते हो। और अगर ये पेंडेमिक खत्म होते होते सर्दी आ गई तो इसके ऊपर एक जैकेट ले लेना, सिंपल एज दैट। अबाउट दिस लुक, दिस इज वन ऑफ माई काइंड ऑफ फेवरेट लुक, बिकॉज मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं अपने किसी वेस्टर्न आउटफिट में थोड़ा सा इंडियन ज्वेलरी का टच देती हूँ या फिर सिल्वर ज्वेलरी का टच लेती हूँ। आई थिंक दैट मेक्स इट लुक सो एलिगेंट, सो स्टाइलिश एट द सेम टाइम। एंड वाइट शर्ट ऐसी चीज है वो हर किसी के वार्डरोब में होनी चाहिए। एंड वी आई थिंक देर आर सेवरल वेज टू स्टाइल वाइट शर्ट, एंड विद दिस आई थिंक आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो या, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट वाइट शर्ट। आई गॉट दिस फ्रॉम सरोजिनी लॉन्ग बैक एंड वेयरिंग इट विद अ वाइड लेग जीन्स। एंड लुक एट द व्यू गाइज, दिस लुक सो लाइक अ फैशन ब्लॉगर अप्रोप्रिएट थिंग, राइट? एंड कीपिंग द मेकअप वेरी सटल, वेरी मिनिमम, whatever you people want to call it. And I'm also wearing the heels with it just to add little extra touch to the whole outfit. I think the outfit looks really cool and very stylish, and it like symbolizes the modern or the fashion blogger vibes. I think you people can also carry it. Instead of this, you can always go for some little bit of like chota choker pehen sakte ho. Isse kya hoga ki matlab tumhe yeh lagega, okay, is not for me. So you can also try, if you are uncomfortable wearing something like this huge, you can definitely try some smaller pieces that will make you look your outfit more stable and then I think more appropriate at the same time. I completely love this look. Like this is a slit skirt, this is my one of my favorite skirts, and I got this from H&M long back from sale section. And isme ki kafi sari skirts maine abhi bhi H&M mein dekhi hain. If you go searching for the floral prints, different print mein, but you will find the same slit skirts. ये H&M का एक कहते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ इसमें अवेलेबल होता ही होता है। सो इसके साथ मैंने ये क्रॉप डेनिम जैकेट पहनी है, अंदर मैंने एक स्पेगेटी पहनी है। आई थिंक क्रॉप डेनिम जैकेट बहुत इंपॉर्टेंट और स्टेटमेंट पीस है गर्मियों में, बिकॉज आपके हार टैनिंग, जैसे मुझे तो बहुत जल्दी टैनिंग होती है, सो अगर मुझे टैन से बचाना है तो डेनिम जैकेट डालना ही है। सो इट लुक्स रियली कूल। इसके साथ मैंने एक ये शूज पेयर किए हैं ओवर साइज, आई थिंक रियली लुक क्यूट। एंड बहुत ही ज्यादा समरी भी आउटफिट है, बिकॉज इट्स अ फ्लोरल प्रिंट, सो ऑफ कोर्स इट हैज कलर इन टू इट।
And yeah, that's a whole outfit. In case you are not comfortable wearing a slit skirt, I'll suggest you to go with the floral denims which are available in the market. Trust me, they look really cool. They look very classic and very trendy at the same time. Now, if you talk about something which is very casual but very stylish at the same time, so this is the combo, like white and blue. I think they look perfect together. With this, I'm wearing again this black glasses. I think looks very cool because it has some white written over here, so I think it goes very nicely with the whole outfit. Now, when it comes to a denim, now this is a wide leg denim, and I'm wearing a jeans over it because ye niche se thoda sa ikhatta ho jata hai. It looks really cool with it, and with that, I am because my bag, yes, this bag has some golden detail over here. So, yahan pe golden hai, thoda sa yahan pe golden hai. So it looks completely nice, right? So iske saath compliment karne ke liye I have also gone for this, like these rings. I think they compliment the whole outfit very well, and with it I have also gone for some golden chain because to compliment the golden detail on my bag, I think the whole looks it is important. जब भी आपके किसी लुक में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो पूरे लुक को पुट टुगेदर करे, आई थिंक गोल्डन इज वन ऑफ देम बिकॉज माई बैग हैज गोल्डन. सो या दैट्स द होल लुक. Or summer essential, I'll talk about are the corsets. She now, means corsets. What kind of corsets do you want? You want something in tie dye, you want something in print. I'll also always suggest you to buy something on print because print is never out of trend. Print ko tum kaise bhi dress up, dress it up, dress it down, jaise tumhe pehenna chaho tum waise pehen sakte ho. And the versatile piece thing I am talking about the corsets is ki agar tumhare paas top hai to tum usko different different tarike se pehen sakte ho, agar tumhare paas bottom hai to tum usko bhi different different tarike se pehen sakte ho. I already have one in green which I got from Sarojini, but this is from H&M, and I really love the like the whole vibe of this outfit. I have also opened the top. If you want, you can close it up and you can wear it with the jeans like this. Yes, you can wear it like this, and I think the whole outfit is vibe on its own. I'm like, main obsessed hu zebra print se. I have everything in zebra print, whether it is skirt, whether it is top, whether it is in corset. I have everything in zebra now, and even the shoes. No, I don't have the shoes right now, but I'll have it soon. So yeah, I'm wearing a crop top under this, and I think it's a perfect way to add a color to your outfit because आपको सिर्फ एक color पहनना होता है जो कि आपके पूरे outfit को अलग से बिल्कुल popping कर दे. I think this is a perfect one, and the best part that I am not wearing heels with it. I'm wearing shoes because I wanted to keep it very casual and very interesting at the same point, and that's what this whole outfit is all about. And if you want, you can exercise, but I wanted to keep it like simple, casual and subtle. What do you guys think? Now, there is one more thing I would like to share. When you pair a neutral with neutral, make sure you have a neutral different colors. Now, I'm wearing beige with a pop-up and statement shirt. Look at the shirt. It's so classic, so versatile shirt because it has all neutral colors over it. Like it has white, it has yellow beige, it has lavender, it has little bit like baby pink color. Now these kind of colors are very very trendy these days and they look really classy. Now don't ask me where I got this shirt from, because I got this from Sarojini and you must have seen in my hauls. So yeah, I got this shirt from there, and I really love the whole vibe of this look because it's a, first of all, this is a pants, and I love wearing pants. I think the pants are the most versatile piece anyone should have in their wardrobe. You can get it from Sarojini, you can get it from a lot of places. Like I have seen on the other thrift markets, like Sunday or Monday markets, mein bhi maine pants dekhe hue hain bikte hue. So you can definitely steal from my papa's wardrobe also. Bas thoda sa yahan pe kamar ka, kyunki of course kisi ke papa healthy hote hain, kisi ke papa maybe, I'm not talking about that. I'm lost right now. Lost, completely lost. So basically, we were like, neutrals are neutral. We pair up करके बहुत stylish लगता है. And this is a example of that outfit. I don't know what you guys thinking. अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो पता नहीं मेरी तो band बन जाएगी, मतलब है ना. But I personally love it. Like I can wear it like day, night, evening, or any brunch, any office meetings. I think this is a perfect look, and this is a perfect way to pop your outfit more because the statement shirts are always, always, always my love. I have a lot of shirts. I love wearing shirts. So yeah, this is one of the outfit. Now for the footwears, I have gone for some again the yellow mules because my shirt has that color. Usually क्या होता है अगर आपके किसी भी outfit में, चाहे आप bottom पहन रहे हो चाहे upper में पहन रहे हो, या तो आप दोनों ही contrasting पहनो या फिर आप देख लो कि इसमें कौन सा color
कौन से कलर पैलेट में है, जैसे इसमें येलो कलर है और मेरी म्यूज इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे और पूरे आउटफिट को अगर साथ में रखा जाए तो और भी ज्यादा पॉपिंग लगेगा. सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द आउटफिट. नाउ व्हेन यू कम नियर बाय फॉर द ज्वेलरी, आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल सिल्वर नेक पीस. आई थिंक दैट लुक्स रियली क्लासिक एंड रियली स्टेबल एट द सेम टाइम. एंड दैट वॉज द लास्ट आउटफिट, नॉट द वीडियो, दैट वॉज द लास्ट आउटफिट गाइस. Guys, I hope तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को. एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे पता चलता है तुम्हें कौन सी वीडियो कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है और मैं और भी उसमें क्या ऐड कर सकती हूँ आगे जाके उन वीडियोज में. सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना. बहुत सारे लोग हैं जो अपना वीडियो देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो यार. एक क्रिएटर बहुत ज्यादा एफर्ट और मेहनत डालता है अपनी कोई वीडियो बनाने में. सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम्हारा फेवरेट लुक कौन सा है. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अनदर वीडियो. टिल देन सिट बैक, रिलैक्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. बाय बाय.